हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू इंग्लिश एक्सप्रेस आज मैं आपको सेशन 2020-21 का क्लास इलेवेंथ और ट्वेल्थ का इंग्लिश का जो लेटेस्ट रिवाइज सिलेबस है वो बताने जा रही हूँ तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें से कौन कौन से चैप्टर्स आपके क्लास इलेवेंथ के और कौन से कौन से चैप्टर क्लास ट्वेल्थ के डिलीट हो गए हैं ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं जो टॉपिक्स हैं आपके राइटिंग सेक्शन में बच्चों आपका क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट जो है वो डिलीट हो चुका है लेटर टू द एडिटर गिविंग सजेशंस ओपिनियन ऑन एनी इशू प्रोवाइड रियलिस्टिक कॉन्टेक्ट इन द फॉर्म ऑफ द न्यूज़ पेपर रिपोर्ट आर्टिकल टू विच दिस में रिस्पॉन्ड यह आपका डिलीट हो चुका है एप्लीकेशन फॉर अ जॉब विद द बायो डाटा और रिज्यूम इज़ ऑल्सो डिलीटेड आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग इज ऑल्सो डिलीटेडर इज सॉरी ऑल्सो डिलीटेड ग्रामर में आपका मोडालस हो गया है क्लॉज चेंज ऑफ वॉइस एरर करेक्शन एडिटिंग टास्क ये क्लास इलेवन के चैप्टर्स है जो डिलीट हो गए हैं और देखते हैं क्या डिलीट हुआ है लिटरेचर में आपकी जो बुक है हॉर्नबिल हॉर्नबिल का एक पोएम जो है फादर टू सन और दूसरा जो चैप्टर है आपका द एडवेंचर ये दोनों क्लास इलेवन के लिए डिलीट हो चुका है आपको इस साल नहीं पढ़ना पड़ेगा और आइए अब स्नैपशॉट में देखते हैं स्नैपशॉट का जो चैप्टर है आपके दो चैप्टर्स डिलीट हुए हैं द घाट ऑफ द ओनली वर्ड और द टेल ऑफ मिलोन सिटी ये डिलीट हो चुके हैं आइए अब देखते हैं क्लास ट्वेल्थ में क्या क्या चीजें डिलीट हुई हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं नोट मेकिंग और समराइजिंग जो है ये रीडिंग सेक्शन का डिलीट हो चुका है लिटरेचर पार्ट में आपका पोएट एंड पैनकेक्स द इंटरव्यू गोइंग प्लेसेस अ रोड साइड स्टैंड पोएम ये डिलीट हो चुका है नेक्स्ट बुक है आपकी विस्तास विस्तास में से भी आपके तीन चैप्टर्स डिलीट हो गए हैं द टाइगर किंग जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ और मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड ये तीन चैप्टर्स आपके विस्तास बुक में से भी डिलीट हो गए हैं राइटिंग सेक्शन में आपका डिलीट हुआ है पोस्टर मेकिंग बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स स्पीच एंड डिबेट इज ऑल्सो डिलेटेड ना दिस इज द टाइम यू हैव टू डिस्कस कि वॉट इज द क्वेश्चन पेपर पैटर्न हाउ द क्वेश्चन पेपर्स आर बींग मेड कौन सा पेपर में कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा इसे हम देखते हैं तो आपको मैं ब्रीफ कर दूं यहाँ पे दिया हुआ है क्लास इलेवेंथ का हम लोग देखते हैं पहले जो क्लास इलेवंथ का आपका रीडिंग और कॉम्प्रीहेंशन पैसेज है वो ट्वेंटी सिक्स मार्क्स का होगा ठीक है क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स और जो ग्रामर सेक्शन है वो आपका ट्वेंटी फोर मार्क्स का होगा लिटरेचर जो टेक्स्ट बुक और सप्लीमेंट्री रीडर्स आएगा दैट विल बी ऑफ थर्टी मार्क्स टोटल आपका एट्टी मार्क्स का है और असेसमेंट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल जो कि आप देखते होंगे वो आपका ट्वेंटी मार्क्स का होगा तो टोटल आपका जो पेपर है वो हंड्रेड मार्क्स का है और ठीक इसी तरह से हमारा क्लास ट्वेल्थ का भी है बट ट्वेल्थ के मार्किंग स्कीम में थोड़े से डिफरेंसेज हैं तो आइए इसको भी देख लेते हैं क्लास ट्वेल्थ का जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पार्ट है वो ट्वेंटी मार्क्स का होगा क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स जो है वो सिक्सटीन मार्क्स का है लिटरेचर जिसमें आपका मेन टेक्स्ट बुक और सप्लीमेंट्री रीडर दोनों को मिला करके फोर्टी फाइव मार्क्स सॉरी फोर्टी फोर मार्क्स का होगा तो टोटल आपके होते हैं एटी मार्क्स और ट्वेंटी मार्क्स आपका असेसमेंट होगा जो लिसनिंग और स्पीकिंग का होता है अब आप चाहें तो इसकी डिटेल स्टडी भी कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के आएंगे तो आइए मैं आपको बता देती हूँ क्लास इलेवेंथ का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज द रीडिंग सेक्टर रीडिंग सेक्शन उसमें हम देखते हो एटीन मार्क्स का है फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे उसमें जो कि टेन मार्क्स का होगा हर क्वेश्चन में टेन क्वेश्चंस दिए रहेंगे एक एक नंबर के और फिर सेकंड जो होगा वो आपका एट मार्क्स का होगा उसमें भी आपको एट क्वेश्चंस दिए होंगे वन वन मार्क्स के फिर आपका ग्रामर सेक्शन में है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा जैसे फिल इन द ब्लैंक्स या फिल इन द गैपिंग्स या आपका डिटर्मिनर्स और टेंस को भरना होगा आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी रहेंगे जिसमें री जो जम्बल वर्ड्स वगैरह आपके आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन सब सेंटेंसेस वगैरह होते हैं ये आपका दोनों मिला करके एट मार्क्स का ग्रामर सेक्शन आएगा क्लास इलेवेंथ का और लिटरेचर सेक्शन जो है आपका फोर्टीन मार्क्स का होगा जिसमें कि हमसे पूछे जाएंगे थ्री मार्क्स वाले क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चंस होंगे आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट जो कि एक एक्सट्रैक्ट दिया रहता है उसमें से आपके क्वेश्चन रहेंगे पहले फोर मार्क्स का आता था अब ये थ्री मार्क्स का आएगा इसके बाद आपका हॉर्नबिल और स्नैपशॉट से भी इसी तरह के क्वेश्चन रहेंगे जो सिक्स मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ठीक है और उसके बाद आपका आता है टेक्स्ट बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टू एक्सेस कॉम्प्रीहेंशन एनालिसिस इंटरप्रिटेशन फ्रॉम प्रोज एंड पोट्री जो आपका एक अनस्ट बुक का ही वो पार्ट होता है कभी प्रोज से लिया जाता है कभी पोट्री से लिया जाता है तो वो क्वेश्चन आपका फाइव मार्क्स का होगा अब आइए रीडिंग सेक्शन को देखते हैं हम हम लोग जो क्वेश्चन है नोटमेकिंग और समरी नोटमेकिंग आपका फाइव मार्क्स का होगा और जो समरी है वो थ्री मार्क्स का होगा फिर राइटिंग सेक्शन में जो आपके हैं नोटिस राइटिंग ये सब है तो ये आपके थ्री मार्क्स के होंगे जिसमें आपका दिया है कि फॉर्मेट वन मार्क्स का होगा कंटेंट वन मार्क्स का होगा और एक्सप्रेशन वन मार्क्स का होगा अगर आपकी ये सारी चीज़ें सही है तो यू मे गेट थ्री मार्क्स कम्प्लीटली फिर आपका शॉर्ट राइटिंग टास्क है जिसमें पोस्टर भी हो सकता है अप टू फिफ्टी वर्ड्स का लिखने के लिए आ सकता है तो वो आपका कितने मार्क्स का होगा थ्री मार्क्स का होगा लेटर भी आ सकते हैं आपके लेटर जो आपका है वो फाइव मार्क्स का होगा ठीक है और जो नेक्स्ट है आपका राइटिंग कंपोजिशन जिसमें आपका कभी कभी आता है पिक्चर कंपोजिशन आता है कभी कभी नरेटिव राइटिंग आता है कभी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आता है कभी आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग आता है तो इन सबका जो मार्क्स होगा वो फाइव मार्क्स का होगा लिटरेचर सेक्शन जो है वो आपका सिक्सटीन मार्क्स का होगा जिसमें आपके क्वेश्चंस जो है आपके हॉर्नबिल से भी पूछे जाएंगे और स्नैपशॉट से भी पूछे जाएंगे उसका भी क्लासिफिकेशन किया गया है आप देख सकते हैं तो बच्चों अगर आपको ये न्यूज़ मिल गई है और भी न्यूज़ पाने के लिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें जिससे कि मैं आपको टाइम टाइम पे इंग्लिश से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देती रहूँ थैंक यू